हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल एंड दिस सेशन इज़ फॉर स्पेशली फॉर वन ऑफ द वेरी फेमस वी ऑल नो राजू श्रीवास्तव वेरी फेमस कॉमेडियन इंडियन कॉमेडी कॉमेडियन सो हम सभी जानते हैं बहुत उन्होंने हम लोगों को हंसाया है और उनकी तबीयत नहीं ठीक है इस वक्त वन ऑफ द फैन हैज़ आस्ट्रॉमी

अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन उनकी प्रेजेंट सिचुएशन इस वक्त हॉस्पिटल में कैसी है क्या कहते हैं कार्ड्स मैसेज करिए प्लीज़ इनकी हेल्थ के बारे में अगर मैं कहूँ तो इनका यहाँ पे जहाँ तक इसमें नज़र आता है कि इनकी ब्लड की प्रॉब्लम नज़र आती है इनके आ, कहीं ना कहीं जब इनकी तबीयत ख़राब होने के पहले इनको बीपी हाई या ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इनको इंडिकेशन शुरू से स्टार्टिंग से ही इनको बॉडी में होने लगा था पता नहीं इनको पता था कि नहीं लेकिन यहाँ पे नज़र आता है इसकी जड़ यहीं सी थी कई बार ऐसा होता है ना कि व्यक्ति को पता नहीं चल पाता कि इसकी जड़ कहाँ पे है तो इनके यहाँ पे ब्लड से रिलेटेड हेल्थ का ही इसमें कार्ड आया हुआ है कि हेल्थ इनकी जो है वो अफेक्टेड हुई है और इस चक्कर में इनकी जो है यहाँ पे ये भी दिखाता है कि ये थोड़े से परेशान भी हुए हैं कुछ आ, दिन पहले जब इन हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले और उसके पहले अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये नज़र आता है कि और ये बात इनको पता चल गई थी इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है राजू श्रीवास्तव की तो यहाँ पे राजू जी की तबीयत के लिए यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है कि इनको पहले से ही पता चल गया था कि कुछ है मेरे बॉडी में गड़बड़ है और उसके बाद जो है यहाँ पे उनको लगा कि ये एक छोटी मोटी कोई चीज़ होगी मैं ठीक हो जाऊँगा और मैं अपने वापस अपने काम पे जा पाऊँगा जो उनका प्रोफेशन है वापस जो है ये अपना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग भी चल रही थी कि कहीं पे स्टेज पर परफॉर्मेंस करनी है या कुछ प्लानिंग करके रखी होगी उन्हें प्रोफेशनली तो वो ये सोच रहे थे कि सब कुछ ट्रैक पे हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा वर्ल्ड फेमस होने का कार्ड है उनको लग रहा था कि म, मैं ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस हूँ मुझे और ज़्यादा उस पर काम करना है प्रोफेशनली और इसके बाद क्या हुआ है मैं देखूँगी ये तो इसमें दिखाता है कि ऐसा ये सोच रहे थे मैं मेरे आसपास पास छोटे जिवा नजीस हैं पौशिफ नजीस हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि राव श्रीवास्तव के आ, हेल्थ अभी एट प्रेजेंट कैसी है हॉस्पिटल में एडमिट है वो अगर मैं इनकी आ, बात करूं तो इनकी हेल्थ में अगेन यहाँ पे जैसा ये सोच रहे हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसा इन्होंने सोचा था लेकिन हो नहीं पाया है इनका यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड ऐसा लगता है जैसे कि जैसे होता है ना कि कई बार हमारे जो कुंडली में जो ग्रह होते हैं यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है बहुत क्लियर है कि कई बार कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो हमें इंडिकेशन देते हैं कि अब जो है आपके हेल्थ पे जो है एक तरीके से मार पड़ने वाली है जैसे कि होता है ना कि आ, बहुत डैमेज होने वाला है हेल्थ को लेकर के इसकी वजह से इनका काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ है इनका इलाज में इसमें दिखता है बहुत अच्छे से और ये आ, इनके इनके परिवार में दिखता है कि अपनी वाइफ को ये बहुत चाहते हैं अनकंडीशनल लव है और दोनों की लव मैरिज यहाँ पे दिखाता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं अब इनकी वाइफ जो है स्पेशली यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जो ये सोच रही हैं कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी लेकिन आ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो वो सोच रही हूँ वो ड्रीम का ड्रीम ही रह जाएगा और परिवार में जो है जो डिस्टरबेंस है वो दिखाता है कि बहुत डिस्टरबेंस चल रहा है इस वक्त इनके फैमिली में और इनके जो फ्रेंड सर्कल हैं और जो इनके जो रिलेटिव्स हैं उसमें ये दिखाता है कि ये क्योंकि ये बहुत ही जॉली नेचर के इनकी वाइफ भी जानती हैं बहुत ही जॉली नेचर की वाइफ का भी यहाँ नेचर दिखाता है कि ये बहुत ही इनोसेंट और एक जॉली नेचर की लेडी हैं ये अपने इसमें दिखता है कि कई लोग जो है इनसे फ़ायदा भी उठाते हैं आप समझ, समझ सकते हैं कि जो जना जॉली नेचर का होता है अक्सर लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाने लोग भी आ जाते हैं इसमें ये दिख रहा है इनका तो लेट्स सी इसमें मैं अब फ्यूचर का देखना चाहूँगी मैं रिक्वेस्ट करूँगी डिवाइन एनर्जी से कि मुझको फ्यूचर का दिखाएं कि इनकी फ्यूचर कैसा है ये तो प्रेजेंट सिचुएशन हेल्थ नहीं ठीक है जो सोचा जा रहा है वो शायद नहीं हो पाएगा जैसा उनकी वाइफ सोच रही थी वैसा हो नहीं पा रहा है जैसा वो चाह रही हैं एट प्रेजेंट मैं एक बार फ्यूचर में कंफर्म करना चाहूंगी व्हाट आर द मैसेजेस मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज भी मुझे बताएं कि राजू श्रीवास्तव जी का आ, फ्यूचर में क्या इनका प्रिडिक्शन है क्या दिखता है फ्यूचर इनका कैसा है फ्यूचर इनका राजू श्रीवास्तव जी का इस वक्त अगर राहुल श्रीवास्तव जी की बात कहें तो जो फर्स्ट कार्ड ही वही आया हुआ है कि जैसे होता ना कि तलवार लटकी हुई है जान पे एकदम उस तरह का इनका है और इनकी हेल्थ जो है वो एकदम आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है इनकी अगेन यहाँ पे मैसेज है कि इनकी वाइफ को लगता है वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे और आ, सारे जो पुराने इश्यूज़ हैं हेल्थ को लेके वो ठीक हो जाएंगे बहुत इमोशनल है स्पेशली इनकी वाइफ का बहुत मैसेज आ रहा है दैट मीन्स कि राव श्रीवास्तव अपनी वाइफ़ को लेकर के भी बहुत सोच रहे हैं बहुत दिलो दिमाग उनके चल रहा है कि मेरी वाइफ का क्या होगा मेरी पत्नी का क्या होगा और उसकी स्टेटस का क्या होगा मेरे जाने के बाद पता नहीं लोग क्या करेंगे क्या बहुत परवाह कर रहे हैं वो उस वक्त और यहाँ पे हेल्थ के यहाँ पर भी मैसेज है कि वो ये भी सोच रहे हैं उनके दिमाग में बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए जो उनकी अंतर आत्मा है उनकी अंतर आत्मा परेशान है इस वक्त यहाँ ये भी मैसेज है कि उनके जो वाइफ हैं उनको उनको ये फील हो रहा है कि कई कई मतलब ऐसा ना हो कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाएं। ये इसमें दिख रहा है हो सकता है कि कुछ चीज़ें कंट्रोल में ना रहें मैं इसमें एक बार और देखूंगी कि इनका और फ्यूचर में आ, क्या इसमें दिख रहा है लास्ट में मैं लास्ट क्वेश्चन फाइनल पूछूंगी लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फ्यूचर का इनका और देखना चाहूंगी कि क्या मैसेजेस हैं मेरे आसपास जो कोई भी डिवा एनर्जीस हैं पॉजिटिव एनर्जीस हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि राहु श्रीवास्तव की मैं और थोड़ा सा फ्यूचर जानना चाहूँगी कि इनका फ्यूचर क्या दिखता है राहू की पोजिशन भी अच्छी नहीं है इनके में अगर मैं आपको बता दूँ कुंडली में इनके राहू की ही इस वक्त जो है प्रॉब्लम इसकी वजह से हुई है तो इनको अपना ख्याल रखना चाहिए इसमें ये मैसेज है कि बराबर से कोई जना जो है जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इनके रिश्तेदारी में फ्रेंड सर्कल में कोई जना बराबर से इन पर नजर रखे हुए हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है इनके लाइफ में आ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनका हेल्थ में जो है बराबर से कोई जना ऐसा जना जो चुपके से सुन रहा है एक बार इसको भी देखना चाहिए कौन जना है क्योंकि उससे पहले भी आया था कि ये इनके जॉली नेचर की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है फायदा उठाने के लिए आते हैं नो डाउट और इनका स्ट्रगल बहुत दिखा रहा है राहुल श्रीवास्तव का अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बहुत कूल cool माइंडेड है एक कूल cool गाय की तरह है हम सभी जानते हैं और स्ट्रगल बहुत दिख रहा है और ये अपने हेल्थ को लेके फ्यूचर में बहुत स्ट्रगल करेंगे बहुत ज़्यादा हेल्थ जैसे होता है ना व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है अपने हेल्थ को लेकर के दर्द हो रहा है और ये बॉडी का जो स्ट्रगल दिखता है फिर इसके बाद सब चीज़ें इनकी ऑफ हो जाएंगी सब चीज़ें ऑल द डोर्स एंड विंडोज विल बी क्लोज दिस कार्ड हैज़ बीन केम आउट एंड पेनफुल सेपरेशन है इनका और उसके बाद इनकी आत्मा पे इनकी सोल जो है वो बहुत बर्डन फील करेगी कि नहीं जाना चाहती है ये यहाँ पे मैसेज है पेनफुल सेपरेशन के बाद इनके ऊपर बहुत बर्डन रहेगा प्रेशर में दिखते हैं ये और यहाँ पे बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे ये मैं उसमें एक बार कंफर्म करूं कि इनका क्या दिखता है मेरे आसपास जो कोई भी रिवा एनर्जीस हैं पॉजिटिव एनर्जी हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि राव श्रीवास्तव का इस मंथ अगस्त में ये जो पेनफुल सेपरेशन का कार्ड है क्या इनको बचाया जा सकता है किसी भी तरीके से अगर बचाया जा सकता है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाईगा नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि ये बचने की उम्मीद नहीं है पॉजिटिव कार्ड है पॉजिटिव है मैं एक बार इनका सोल्यूशन भी देख ही लेती हूँ कि शायद मैसेज कन्वे हो सके कि इनका कैसे इनको बचाया जा सकता है मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को डिवाइन एनर्जी से मैसेज लेना चाहूँगी प्लीज़ मुझे बताएं कि अगर इनको बचाया जा सकता है तो कोई रेमिडी या उपाय ज़रूरी है रायश्री श्रीवास्तव को बचाने के लिए प्लीज़ मुझे बताएं मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं अगर कोई उपाय है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी अगेन पॉजिटिव कार्ड है अगेन पॉजिटिव कार्ड है यस yes, इनको बचाया जा सकता है मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये बच जाएंगे अगर ये बच जाएंगे तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी फ्यूचर में समझूंगी पॉजिटिव है ये बच सकते हैं अब मैं इसे पूछ लेती हूँ अपने एंजल्स से कि प्लीज मुझे बताएं कि क्या उपाय किए जाएं क्या रेमेडी की जाए राहु श्रीवास्तव के लिए मैं जानना चाहूँगी प्लीज़ मुझे बताएं मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या रेमेडी की जा सकती है राहु श्रीवास्तव जी के लिए इनकी वाइफ को करना होगा मैजिक का कार्ड है इनके ऊपर नो डाउट ब्लैक मैजिक है और मैजिक का इफेक्ट है उसको पहले हटाया जाए उसकी वजह से इनके लाइफ में बहुत बर्डन है जो चीज़ें ये सोच रहे हैं वो हो नहीं पा रही है और किसी थर्ड पर्सन ने अगेन यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि ये कार्ड्स आए हैं ये थर्ड पर्सन ने इनके लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट किया है और ये कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखता है मैं बस देख लूँ कि ये मेल है कि फीमेल है मोस्ट प्रोबेबली मैजिक का कार्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैजिक है मैजिकल चीज़ हुई हैं जिसकी वजह से इनकी सारे लाइफ में सब सिचुएशन क्लोज हो गई है बंद हो गया है जैसे कि सब कुछ कुछ हो हो ही नहीं पाएगा इनकी वाइफ को ये चीज़ जो है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है इनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है ये परेशान है इसकी वजह से मैसेज कर रहे हैं एंजल्स कि यहाँ पे ये परेशानी क्रिएट करने वाला ये थर्ड पर्सन है मौजूद है उसने मैजिक किया है इसमें कोई डाउट नहीं है मैं इसमें एक बार पता करूँगी कि ये मेल है कि फ़ीमेल है ताकि उसको पहचाना जा सके मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज हैं प्लीज मुझे बताएं कि इनके ऊपर जो राशि राशिस्त्र के ऊपर ये मैजिक दिखता है ये आ, मैं इससे पहले पता करूंगी कि सबसे पहले क्या हाई लेवल का है मैजिक अगर हाई लेवल का है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा नेटिव कार्ड का मैं नाम समझूंगी हाई लेवल का नहीं है ओके मैं जानना चाहूंगी क्या मिडिल लेवल का मैजिक है इनके ऊपर ब्लैक मैजिक है अगर मिडिल लेवल का ब्लैक मैजिक है राशि वास्त्रों के ऊपर तो पॉजिटिव कार्ड दिखाईगा नेगेटिव कार्ड को ना मैं ना समझूंगी थर्ड पर्सन पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या लोअर लेवल का कोई ब्लैक मैजिक किया गया है इनके ऊपर वो इनको अफेक्ट कर रहा है अगर अफेक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाईगा नेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी पॉजिटिव कार्ड है इसको हटाया जा सकता है बहुत आसानी से तभी उसमें पॉजिटिव दिखा रहा है लोअर लेवल को हटाया जा सकता है छोटे मोटे जो उपाय होते हैं हाँ ये है कि रेगुलर करने पड़ेंगे और इनकी वाइफ को करने पड़ेंगे मैं एक बार इसमें देख लेती हूँ कि ये कोई फीमेल है या मेल मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि ये जो ब्लैक मैजिक हुआ है राहुल श्रीवास्तव के ऊपर जिस किसी ने भी किया है ये कोई फीमेल है अगर ये फीमेल है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी नहीं ये फीमेल नहीं है मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये कोई पुरुष है कोई मेल पर्सन है अगर ये मेल पर्सन है ब्लैक मैजिक करने वाला तो पॉजिटिव कार्ड दिखाईगा नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है जैसे कि मैंने बताया ना कि वो वहां पे मेल का कार्ड आ रहा था मैं इसमें कैटिस्टिक्स पूछ लेती हूँ उस मेल की मेल पर्सन की ताकि पहचाना जा सके मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीव हैं पॉजिटिव एनर्जी है, की मुझे बताएं कि ये मेल पर्सन के क्या कैटिस्टिक्स हैं कैसे पहचाना जा सकता है इस मेल पर्सन को बहुत स्पिरिचुअल है ये और पूजा पाठ काफी करवाता है और काफी जो है अपने आप को लव और फेम पाने के लिए फेमस रहूँ बहुत ज्यादा जनता से प्यार मिले और इसका अफेयर भी है सेल्फिश बहुत है मतलब अगर किसी फीमेल से अगर इस, अगर संबंध बनाने की कोशिश करता है तो केवल अपना मतलब निकाला और छोड़ दिया चाहे जिस तरह का भी इसको सेल्फिशनेस uh, अपनी दिखानी हो फीमेल्स के साथ और इसका यहाँ पे आ, उसके बाद अफेयर होने के बाद इसका विवाद हो जाता है इस और, मतलब जैसे अपना मतलब निकल गया अब वो कुछ और कह रहा है और जो उसका रिलेशनशिप है कि जिस किसी के साथ वो कुछ और कह रही है ये इसके लाइफ में अगर इसमें देखा जाए इसी की वजह से ये लाइफ में बहुत शांति से रहना चाहता है बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस चाहता ही नहीं है अपने लक को लेकर के बहुत फेम पाना चाहता है मतलब कि मुझे ईश्वर की कृपा भी रहे मैं बता रही हूँ ना ये बहुत उपाय वगैरह भी करता है रेमेडीज बहुत करता है ये ये इस इंसान को पहचाना जा सकता है कि ये एक कोई आ, मैं इसकी एज भी पता लगा लेती हूँ क्योंकि उसमें बहुत यंग उसमें कार्ड नहीं दिखा रहा था ये कोई फोर्टी टू फिफ्टी के एज का कोई व्यक्ति है मैं जानना चाहूँगी डिवाइन जी से क्या प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या इसकी एज फोर्टी के ऊपर है अगर इसे इस इंसान की मेल पर्सन की उसने यह ब्लैक मैजिक लो लेवल का किया है वास्तव पे तो ये आ, आ, क्या ये मेल फोर्टी के ऊपर का एज है इसकी अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा नेगेटिव कार्ड में ना समझूंगी अगेन देखिए आपके ऊपर है फोर्टी के ऊपर आपके आपके यहाँ दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अधिड़ उम्र का है और फोटी के ऊपर का है ये पहले भी अभी आपने ही आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले थे तभी मैंने बोला था ये मेल पर्सन है कोई जना करने वाला हंड्रेड परसेंट यहाँ फिर से यह मेल का आ रहा है तो हो ना हो सबसे पहले किसी भी तरीके से उनकी वाइफ को चाहिए कि वो घर वाले जितने भी हैं रोशन वास्ता के उनके ऊपर से ये हटाएं उनको बचाया जा सकता है फिर से मैं कह रही हूँ प्लीज़ उनको बचाइए किसी भी तरीके से उनको बचाइए कैसे भी करके मैसेज करके आप बचाइए आ, बहुत लोग जो हैं ये मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप लोग ये कहते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए काम करती हूँ या सब्सक्राइबर के लिए काम करती हूँ नहीं प्लीज़ दिस इज़ फॉर द मैन काइंड श्रीवास्तव जैसा हस्ती हम लोगों को नहीं मिल पाएगा प्लीज़ किसी भी तरीके से कोई भी फ़ैन हो उनको बताइए दिखाइए आई एम अ प्रोफेशनल टेरो रीडर एंड अ रेकी हीलर ऑल्सो आई कैन डिटेक्ट द ब्लैक मैजिक वेरी ईजली मैं ब्लैक मैजिक को बहुत जल्दी स्कैन कर सकती हूँ किसी के भी लक्षणों से उसके फोटो से देख के पहचान सकती हूँ मैं प्रोफेशनली इस चीज़ में काफ़ी सालों से हूँ तो प्लीज़ इसको चीज़ को समझिए अगर डिवाइन एजी से मैसेज ये आ रहा है यूनिवर्स को थैंक यू क्या इस वक्त कि ये दिखा रही है यूनिवर्स यहाँ पर मैसेज हो रहा है एंजल से कि ये कोई अधिड़म का व्यक्ति है प्लीज़ इसे वर्कआउट करिए I think the message is very clear from the Divine Energies. Thank you so much.